हेलो स्टूडेंट, आई एम एम के त्यागी। हेलो हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकित त्यागी एंड टुडेज टॉपिक आर रदरफोर्ड सोडी लो और रेडियो एक्टिव लो। देखो, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम, समझना है इसको क्या है। जस्ट इमेजिन वी हैव ए रेडियो एक्टिव सैंपल लाइक यूरेनियम 238। ओके, क्या है ये यूरेनियम का कोई हमारे पास यूरेनियम सब्सटेंस है, उसका कोई सैंपल है एंड देयर आर 1000 number of nucleus. There are 1000 number of nucleus. Done. अब होगा क्या? देखो, डीके का मीनिंग क्या है तुम्हें पता है? डीके तीन टाइप से होता है, अल्फा, बीटा, गामा डीके। और डीके का मीनिंग क्या है? जब एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास यूरेनियम 238 है ना, तो इससे क्या होगा, एक हीलियम न्यूक्लियस एमिट होगा, हीलियम न्यूक्लियस, और बन जाएगा क्या, 92 पहले था, 2 एमिट हो गया, तो क्या बचता है अपने पास, 90 किसका होता है, थोरियम का, और ऊपर बैलेंस करके देख रहे हो 234। तो देखो बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर हमारे पास यूरेनियम था और ये कन्वर्ट हो गया थोरियम में, कैसे, बाय एमिटिंग ए अल्फा पार्टिकल। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल मींस हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल को तो हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे सामने प्रोसेस नजर आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं डिके या रेडियो एक्टिविटी। क्लियर, ये जो तुम्हारे सामने है। अब जरूरी नहीं है हमेशा यहां से अल्फा पार्टिकल रिलीज हो, कभी कभी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकता है और पॉजिट्रॉन भी रिलीज हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन इनमें से कोई रिलीज होता है तो उसको बोल देते हैं हम बीटा डिके। क्लियर, इसको बोल देते हैं, अगर अल्फा पार्टिकल निकल के जाता है तो इसको बोल देते हैं अल्फा डिके, ठीक है। और मान लीजिए कभी कभी सिर्फ रेडिएशन एमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, मींस फोटोन ही एमिट होते हैं, कोई पार्टिकल एमिट नहीं होता है, तो उसको बोल देते हैं हम गामा डीके। क्लियर, तो ये डीके हो गए, डन। तो मैं वापस अपने टॉपिक पर आ जाता हूँ, जो हमारा मेन टॉपिक है रदरफोर्ड सोडी लॉ। इसे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए, हमारे पास 1000 न्यूक्लियस है, ठीक है। और अभी एक मान के चलो ये यूरेनियम के हैं, मींस अभी इनका डिके स्टार्ट नहीं हुआ है, और जब तक डिके स्टार्ट नहीं होता है इनको बोलते हैं अनडिकेड, ठीक है, अनडिके न्यूक्ली, या फिर बोल दो एक्टिव न्यूक्लियस। क्लियर, तो जब तक इनका डिके नहीं हुआ है, और जैसे डिके हो जाएगा तो इनको बोल देंगे हम डिकेड न्यूक्ली। और डीके तुम समझ रहे हो, डीके का सिंपल सा सरल सा मतलब यह है, जब एक न्यूक्लियस कन्वर्ट होकर यानी कि अपने अंदर से कुछ पार्टिकल रिलीज करके एक नए एलिमेंट को एक्वायर कर लेता है, ठीक है, है तो कुछ और, लेकिन अपने अंदर से कुछ पार्टिकल उसने रिलीज किया, और रिलीज करने के बाद एक नया पार्टिकल में वो कन्वर्ट हो गया। इस पूरे प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ये तीन टाइप का होता है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा का मतलब हीलियम न्यूक्लियस का निकलना, बीटा का मतलब इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का निकलना, और गामा डीके का मतलब फोटोन मींस एनर्जी का निकलना। और एक टर्म आई है पॉजिट्रॉन, याद रखना पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस जो पॉजिट्रॉन है इसका मास तो होगा इलेक्ट्रॉन के इक्वल एंड चार्ज होगा प्रोटॉन के इक्वल, ये बात इसके बारे में याद रखना। तो खैर, मैं वापस अपने टॉपिक पर आ जाता हूँ। मेरे पास इनिशियली 1000 न्यूक्लियस हैं, है ना, और पर सेकंड इसमें कुछ न्यूक्लियस लगातार कन्वर्ट हो रहे हैं, मींस उनका डीके हो रहा है, मींस अगर ये यूरेनियम के हैं तो थोरियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसा तुम समझ सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। तो इनके जो ये न्यूक्लियस हैं, इनके डीके होने का जो रेट होगा, डीके होने का रेट, ये क्या है, इसको बोल लेंगे हम रेट ऑफ डीके। क्लियर, तो इन न्यूक्लियस के डीके होने का जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो इनिशियल वैल्यू के, यानी कि इसमें कितने ज्यादा न्यूक्लियस है। और ये बात भी बिल्कुल ऑब्वियस है, कैसे, जितने ज्यादा हमारे पास न्यूक्लियस होंगे रेट ऑफ डीके भी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर, तो मतलब पर सेकंड कितने यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसा समझ सकते हो, पर सेकंड कितने यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ यूरेनियम कितने हैं, नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस कितने हैं, राइट। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव न्यूक्लियस। बात समझ में आई क्या? तो
तो यही है हमारा रदरफोर्ड सोडी लॉ। तो ये तो कुछ बेसिक सी बातें हो गई। ओके, अब हम अपने स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, अब जरा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या बनता है भाई, स्टेटमेंट बन गया अपना, द नंबर ऑफ न्यूक्ली, द नंबर ऑफ न्यूक्ली डिस इंटीग्रेटिंग पर सेकंड इट मींस, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ डिके एट इंस्टेंट नियस्ट टाइम, एट इंस्टेंटनियस टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्ली या अनडिके न्यूक्ली बोल दीजिए। इट मीन्स रेट ऑफ डिके, किसी भी चीज के रेट को कैसे डिफाइन करते हैं, उसका टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, अब यहां कौन क्या है, dn अपॉन dt तो हो गया आपका रेट ऑफ डीके। ओके, और n क्या है, एक्टिव न्यूक्ली एट टाइम t, वो कोई इंस्टेंटेनियस टाइम है t, उस पर ये एक्टिव न्यूक्ली हो गया हमारे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, हेयर माइनस साइन, देखो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेयर माइनस साइन रिप्रेजेंट दैट, देखो माइनस साइन ये बता रहा है कि जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज होगा वैसे ही नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियो का जो नंबर है वो कम होता चला जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो हेयर माइनस साइन, साइन है इंडिकेट दैट, माइनस साइन इंडिकेट दैट नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्ली इज डिक्रीज विद टाइम। वो तो बात भी सही है भाई, इनिशियली हमारे पास 1000 है और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी डिक्रीज होती चली जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब इंप्लाइज दैट, यहां पर आ गए हम, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन को जैसे ही मैं यहां से रिमूव करता हूं एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाती है लैम्डा, और ये माइनस इधर पहुंच जाता है। ठीक है, और यहां पर लैम्डा क्या है हमारा, डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट और डीके कॉन्स्टेंट। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब फिलहाल हम पहुंच गए इक्वेशन पर, dn अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n। ओके, अब तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि मैं इसको रफ कर दूं। आई होप ऐसा हो गया होगा, तुमने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो देखिए अब आगे, तो नेक्स्ट स्टेप dn अपॉन n इज इक्वल टू n इधर माइनस लैम्डा dt। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन
बोथ साइड, ठीक है। तो डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा कॉन्स्टेंट एंड डी टी। लेट वी हैव एन नॉट इनिशियल नंबर, मीन्स व्हेन वैल्यू ऑफ टी इज जीरो देन नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस एन नॉट। इसका मीनिंग ये हुआ, जब टाइम जीरो था तब हमारे पास एक्टिव न्यूक्लियस कितने थे, एन नॉट थे, एंड आफ्टर टाइम टी वी हैव ओनली एन एक्टिव न्यूक्लियस। ओके, एंड वी नो दैट लॉग एन, इसका इंटीग्रेशन हो गया है, लिमिट पुट कर देते हैं, एन नॉट एन एनी प्रॉब्लम इज इक्वल टू लैम्डा, इंटीग्रेशन हो गया है, टी आ जाएगा, इंप्लाइज दैट लॉग ई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एन माइनस लॉग ई एन नॉट माइनस लैम्डा टी, इंप्लाइज दैट लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी माइनस लैम्डा टी, डन। और तुम्हें पता है लोग उधर जाके बन जाएगा एक्सपोनेंशियल, सो वी गेट एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई माइनस पावर लैम्डा टी, ठीक है। लोग उधर जाके इंटीग्रेशन, सॉरी लोग उधर जाके एक्सपोनेंशियल की सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू इंप्लाइज दैट माइनस लैम्डा टी, इट इज रदरफोर्ड सॉडी लॉ। ये हो गई उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये चीज हमें क्या इंडिकेट कर रही है, क्या बता रही है। एक चीज लिख लेते हैं, वेयर एन नॉट क्या है, एन नॉट है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्ली एट टी इक्वल टू जीरो टाइम, ठीक है, एट टी इक्वल टू जीरो टाइम मीन्स इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियस। का मीनिंग ये हुआ, इनिशियली हमारे पास कितने न्यूक्लियस ऐसे थे जो बिल्कुल एक्टिव थे। एक्टिव से मेरा मीनिंग क्या है, मतलब अगर वो यूरेनियम के थे तो वो यूरेनियम में ही रहे, अभी वो थोरियम में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। अच्छा, एंड क्या है, अगेन नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्ली एट टाइम एट एनी इंस्टेंटेनियस टाइम टी, ऐसे समझ सकते हो, ये हो गए टी टाइम पर। और लैम्डा आप जानते ही हो, लैम्डा क्या है, डीके कॉन्स्टेंट, ये तुम्हें पता है, क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और देखिए इसका फाइनली रिजल्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग ये है कि भाई एन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज विद टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा एन की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती चली जाएगी। तो एक्टिव न्यूक्ली आर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज विथ टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्ली डिक्रीज होते चले जाएंगे। और ये तुम्हें पता ही है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उसमें कैसा ग्राफ आता है, इनवर्सली के साथ साथ एक्सपोनेंशियली है, ये हो गया टी, ये हो गया हमारे, अब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, तो ये हो गया एन नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्ली, ये हो गया टाइम, तो ग्राफ कैसा आएगा तुमने भी देखा, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी, देन वी कैन से एन इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ टी, राइट, एन इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ टी, बात समझ में आई क्या। इफ वी टेक टी इक्वल टू जीरो इन दिस इक्वेशन देन वी गेट एन इज इक्वल टू एन नॉट, ओके, एंड हियर टी इक्वल टू जीरो, देन एट टी इक्वल टू जीरो वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू एन नॉट, दैट मीन्स ये हो गया एन नॉट, और आफ्टर दैट इट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। तो ये आ गया तुम्हारा ग्राफ, ठीक है। तो ये ग्राफ याद रखना है अपने को और ये स्टेटमेंट याद रखना है। तो ये हो गया है भाई आपका रदरफोर्ड
सोडी लो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। डन, लो फिनिश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।